आज तो दो तीन काम एक साथ थे तो इसीलिए मैंने नाश्ते के साथ ही लंच की तैयारी भी शुरू कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ। और देखो, चलो आ जाओ चाय नाश्ता करने। आ जाओ चाय नाश्ता करने, क्योंकि हम लोगों को जाना है बाहर, तो इसीलिए आज सिंपल सा नाश्ता कर रहे हैं और जल्दी जल्दी बस घर का काम, खाना वगैरह लंच की, उसके बाद बहुत सारी, ये वाले व्लॉग में तो आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग दिखने वाली है, तो इसीलिए हम अपना घर का जो काम है वो जल्दी से जल्दी सोच रहे के निपटा ले। क्या बोलते आयु? इंशाल्लाह फटफट निकले, काम है तो बताएंगे। ये ले लू, ये ले लेना, ये भी ले लो। ये भी लू, अरे अमीन के लेने को ये ले लू, ये ईद में मेरे सिला ले वो है ना। नाश्ता तो बना ही रही थी, साथ साथ में जाने की तैयारी भी कर रही थी अजमेर, तो उतने में मेरी आ गई पार्लर वाली, क्योंकि मुझे बाल थोड़े फ्रिजी टाइप के चाहिए थे, तो फिर मैं बैठ गई बाल बनाने। और भूख भी लग रही थी क्योंकि मुझे पता था अब थोड़ा टाइम लगेगा खाने के लिए, तो मैं ताड़ गोले भी इंजॉय कर रही थी। और ये सब चीज़ें करने के बाद हो गई फिर मैं तैयार, क्योंकि जाना था गाड़ी की डिलीवरी लेने। और फिर मैं और अयुब बोले कि चलो फिर एक रील भी बनाते, तो अयुब की आदत है जब भी बाहर निकलो तो सदका ज़रूर निकालते। अयुब की क्या, हमारे पूरे घर की आदत है, तो हम सदका वगैरह निकाले। अयुब का लेक्चर चालू हुआ तो खींचते खींचते लेकर गई उनको मैं बाहर, और जब बच्ची आई थी मुझे, तो मैंने बोला चल तुझे भी मैं बीच में ड्रॉप कर देती हूँ। साथ साथ ही फिर हम वहाँ पे एक रील बनाए, और रील बनाते बनाते मजाक मस्ती करते करते गए हम हमारी गाड़ी की डिलीवरी लेने। अयुब वहाँ जाने के बाद मुझे कलर बता रहे थे कि व्हाइट लेना था गोरी, मैंने बोला नहीं ब्लैक ली हूँ, व्हाइट लेने का सबसे डिसेंट गाड़ी होती, मैंने बोला मैंने तो ब्लैक ले ली, तो अब कोई नहीं ले ली, ब्लैक ही यूज कर ली। कैसे लगी तुमको व्हाइट? व्हाइट पसंद थी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो आपने ब्लॉग देखा होगा ना, तो पिछले ब्लॉग में ये आई ये देखा, लेकिन अब मैं बता दीजिए, मैंने गोल्ड ली, गाड़ी ली, पर मुझे सबसे ज्यादा जो इनकी सरप्राइज है वो ज्यादा अच्छी लगी। और मैं चाहती थी कि कभी भी मैं गाड़ी लेती हूँ तो अयुब मेरे साथ ही रहते, एम जी लिया जब भी अयुब इतने बिजी थे, नहीं थे, नहीं आ नहीं पाए थे, तो मैं चाहती थी कि ये लू तू भी। और हमारे घर की सबसे पहली चार्जिंग वाली गाड़ी, अब पता नहीं फोर व्हीलर भी आ ही जाएगी, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ है अभी तो। पहले बीबू बराबर तबीयत से मैं आपको 4-5 दिन पहले ही बताई थी कि इलेक्ट्रिक बाइक अमीन अली ने मेरे को बताया है कि लेना है, बट मैं कभी भी आप लोगों के सामने वही चीज़ दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ, जो मैं हूँ दिखावे की ज़िंदगी में कभी नहीं करती हूँ। यह है कि मैंने 4 दिन में गाड़ी मंगा ली, ये बहुत खुशी की बात है। और उसी के साथ साथ अयुब मेरे साथ थी, वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। फिर हम दोनों ने जाके फालूदा इंजॉय किए, और वहाँ से निकले घर आने के लिए, तो वही जो मेरी वहाँ पर पुराना जो फ्लैट है वो देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और खाना बना था सुबह, आकर सारी चीज़ें कर कर फिर हम बहुत खुशी खुशी खाने को एंजॉय किए, क्योंकि खाना खाने के बाद कुछ और काम भी था। तब तक आ गई हमारी मेहंदी वाली, मैं बैठी मेहंदी लगाने, वैसे तो मेहंदी थोड़ी लगानी थी पर अयुब को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी मेहंदी हाथ भर कर लगाने की, अयुब के कहने पे फिर मैंने हाथ और पैर भर कर लगाई। और बीच बीच में अयुब मुझे खिलाने पिलाने का ध्यान तो रख ही रहे थे। भाई अब जाके मेहंदी खत्म हुई है, दोनों हाथ दोनों पैर, और आज खाना तो बेचारे अयुब ने गरम करके निकाले है ना। और पूरे घर में मेहंदी मेहंदी मेहंदी, पूरी मेहंदी मेहंदी भरी हुई है, तो अब मैं तो अपने हाथ से खा नहीं सकती हूँ, स्पून तो मंगाई हूँ, पर मुझे लगता है अयुब भी मुझे एक एक बाइट खिलाते रहेंगे, पक्की बात है। सालन तो डालो, उनको अच्छी लगती है थोड़ी सादी खिचड़ी, घी वाली है ना, इतना टेस्ट लगता है, मटन की ग्रेवी पतली वाली बनाई हूँ, तो चलो अभी खा लेते हैं। इसके बाद भी अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी है, है ना यू? तो वो ले, ब्राउन ले लेंगे, बहुत बड़ी है यू, बहुत बड़ी नहीं है भाई। क्या करूँगी, इतना सारा सामान है इसमें, एक बैग बस हो गया, बस हो गया मेरा, और क्या कारण है बंद करने चाहिए। और ब्लैक वाली किधर है, जो मैं सूरत लेके आने के लिए ली थी 2-3 जोड़ी कपड़े के लिए, पता नहीं उनको, देखो उस साइड है क्या, बंद करो उसको, तो ठीक करो तो। हाँ ये मैं ले लूंगा हाथ में, ले लो, ये बारिश बारिश होगी तो गीले कपड़े एक दो जोड़े एक्स्ट्रा रख लेती, ये ले लो ले लो, वही ले लो ना यू, और वही डेडी बोल रहे की वो ब्लैक वाला भी लेके जा।
संभाल के जाओ और खास दुआ करियो और कल जो तुम्हारा काम है टाइम पे उठ के चले जाना, सुबह उठ जाएंगे। अरे मैं जल्दी उठ के मैं उतरते के साथ फोन करती हूँ, चले जाना, मिस मत करना टाइम पे। 100% काम के लिए तो मैं खास, चलो मैं तो गरीब नवाज में दुआ करूंगी और इंशाल्लाह बस जल्दी से काम हो जाए फिर जाएंगे हम लोग। कहाँ जाएंगे? लॉन्ग रूट पे। नहीं बच्चों लोग बस सूरत, हाँ ठीक है, पार्टी मना जाके आओ। मैं रहने दो, तुम नीचे मत तो जाओ, तुम सो जाओ, नहीं नहीं रहने दो, तुम जाओ सो जाओ और सुबह जल्दी उठ के चले जाना और घर का ध्यान रखना। हाँ जाओ मैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।